प्रीता की जान पर आएगा बड़ा खतरा और चली जाएगी प्रीता की याददाश्त और हो जाएंगे करण प्रीता अलग। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में पृथ्वी के एक्सपोज होने के बाद और ऋषभ की वापसी होने के बाद दिवाली के बड़े त्योहार में प्रीता की जान पर बड़ा खतरा आएगा जब सोनाक्षी घर पर होगी और करण प्रीता को हमेशा के लिए अलग करने के लिए चाल चल रही होगी। तभी दूसरी ओर पृथ्वी अपना बदला लेने के लिए प्रीता को हमेशा के लिए जान से मारने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि करण अभी जासूस बनकर जिसका पता लगा रहा है वही प्रीता का सबसे बड़ा काल बनेगा। और बड़े राज का खुलासा होगा कि सोनाक्षी और सोनाक्षी के पापा करण प्रीता को अलग करने के लिए प्रीता को जान से मारने की एक सबसे बड़ी चाल चलेंगे, जहाँ पर दिवाली के दिन प्रीता की जान पर आएगा बड़ा खतरा। जहाँ पर जब प्रीता एक पल के लिए करण से दूर हो जाएगी और रास्ते पर जाएगी तभी सोनाक्षी के पापा किसी को पता ना चले ऐसे प्रीता का काफी भयंकर एक्सीडेंट कर देंगे और सोनाक्षी प्रीता को जान से मारने के लिए प्रीता के सर पर जोर से हथौड़े का वार करेगी, जिससे प्रीता वहीं पर बेहोश हो जाएगी और अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़पेगी। लेकिन वहीं लूथरा हाउस में सभी लोग दिवाली का त्योहार मना रहे होंगे, तभी काफी समय तक प्रीता लूथरा हाउस में ना दिखने की वजह से करण प्रीता को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और करण प्रीता को पूरे घर में ढूंढेगा लेकिन प्रीता कहीं नहीं मिलेगी। और जब करण कमरे में प्रीता को फोन करेगा तब प्रीता का फोन भी नहीं लगेगा, इसीलिए करण प्रीता को ढूंढने के लिए रास्ते पर निकल जाएगा। जहाँ पर काफी दूर प्रीता रास्ते के बाजू में बेहोश पड़ी होगी और प्रीता के सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होगा और प्रीता को इतनी बुरी इस हालत में देखकर करण के होश उड़ जाएंगे और करण तुरंत ऋषभ को और सभी को फोन करके बुलाएगा और करण ऋषभ दोनों प्रीता को हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहाँ पर प्रीता जिंदगी और मौत के बीच तड़पेगी। लेकिन वहीं सोनाक्षी प्रीता को इस हालत में देख काफी ज्यादा खुश हो रही होगी और पहली बार शैलिन भी प्रीता को लेकर काफी ज्यादा परेशान होगी और शैलिन प्रीता के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहेगी कि मैंने अब तक कई सारे पाप किए हैं लेकिन प्लीज प्रीता को बचा लो, क्योंकि अगर प्रीता को कुछ हो गया तो घर पर कोई खुश नहीं रह पाएगा। जिसके बाद जब ऋषभ काफी ज्यादा परेशान होकर डॉक्टर से प्रीता की हालत पूछेगा तब डॉक्टर कहेंगे कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रीता के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है और सर पर काफी ज्यादा चोट आने की वजह से प्रीता को बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब तो सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकता है, इसीलिए आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करिए। तब करण ऋषभ के दोनों के आंखों से आंसू आ जाएंगे और पहली बार करीना बुआ प्रीता के लिए काफी ज्यादा रोएगी और करीना बुआ को अपने किए का एहसास होगा। लेकिन जब प्रीता को होश आएगा तब डॉक्टर दुखी होकर सबको कहेंगे कि प्रीता को होश आ गया है लेकिन उसकी सारी याददाश्त चली गई है। यह सुनकर करण ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और करीना बुआ राखी माँ और पूरा लूथरा परिवार हिल जाएगा। जहाँ पर जब करण और ऋषभ प्रीता से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाएंगे तब प्रीता को करण का नाम तक याद नहीं होगा और यही वजह बनेगी करण और प्रीता की दूरियों की। लेकिन करण प्रीता की याददाश्त वापस लाने की काफी कोशिश करेगा। वहीं करीना बुआ करण को कह देगी कि अब प्रीता को छोड़ दो और तुम्हें और पीहू को जो जानता है उसे अपनाओ, यानी कि सोनाक्षी को अपनाओ। लेकिन करण ऐसा नहीं करेगा और प्रीता का साथ देगा। लेकिन अगर प्रीता की याददाश्त चली जाएगी और प्रीता के साथ बुरा होगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आप करण प्रीता को अलग होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं? और अगर करण प्रीता अलग हो गए तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आपको करण प्रीता की जोड़ी कैसी लग रही है? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।